माशाल्लाह से मेरे व्यूअर, हम आ गए हैं मस्जिद क़िबलतैन। माशाल्लाह से तीसरी ज़ियारत है। नंगे शोहद से निकलकर, जबल ओहद से निकलकर, इनके जो शोहदा के मैदान है वहाँ से, तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से उमरा ज़ायरीन और जो जारी कराम वगैरह आए हुए हैं उनकी भी माशाल्लाह से काफ़ी कसीर तादाद में जो है ना यहाँ पर आमद है। पहले भी मतलब आ चुका हूँ, मरत बार फिर अल्लाह पाक ने जो है ना किस्मत में ख्याल मेरा। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? इधर आप बोलो, इधर बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पर बता दें। ऐसा भी आपको मस्जिद नज़र आ रही है सामने वाली, ये मस्जिद क़िबला तैन है, जो इसका पहला वाला क़िबला था फलस्तीन की तरफ से था, मतलब अस्सा की तरफ से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की ख्वाहिश थी इसका क़िबला चेंज हो जाए। नबी पाक सल्लम नमाज के दौरान में थे, नबी पाक सल्लम जिस टाइम नमाज के दौरान में थे ऊपर से वही नाजिल हो गई थी। नबी पाक सल्लम ने नमाज के दौरान में रुख चेंज किया था और जमातों ने रुख चेंज किया था, इसका क़िबला मक्की की तरफ से हो गया। जो पहला वाला क़िबला है इसका फलस्तीन की तरफ से। तो सुना माशा, अभी हम मेरे व्यूअर दाखिल हो रहे हैं मस्जिद के अंदर। ये नीचे जगह बनी है टॉयलेट वगैरह की और हम जाएंगे ऊपर। मेरे व्यूअर में रखता हूँ, अब चलते हैं। तरीके सबसे पहले माशाल्लाह और ये उस तरह से रास्ता आता, लेकिन फ्रंट वाली साइड से उस तरह से पार्किंग इसलिए जो है इस तरह से जो है इसका रास्ता बना रही है। अब हम नेक्स्ट ज़्यादा ये है फ्रंट इसका जो है, ये है फ्रंट वाली साइड माशाल्लाह। ऐसा
से भी आपको खैमा नजर आ रहा है सामने वाला, जिसको बोले ग्रिल लगी हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का खैमा है, 1450 साल का पहले का ये खैमा है माशाल्लाह। वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला का खैमा है, 1450 साल का पहले का ये पुराना खैमा है। जो सामने वाली ये मस्जिद है, ये बीबी फातिमा की मस्जिद है, 1450 साल की पहले की पुरानी मस्जिद है। जिस दिन गिरती हुकूमत इसको मरम्मती कर देती है। उस पहाड़ी पे आए वो खैमे, उस पहाड़ी पे वो सहाबा कराम के मोर्चे हैं, वो तीर अंदाज से वार करते थे। वो सामने वाले ऊपर वाले तो ये तो व्यूअर माशाल्लाह से हो गई। अभी जो उस साइड पे है ना जामिया मस्जिद, मस्जिद फुंदक, और फुंदक मस्जिद के साथ बाकी के जो ऊपर है मस्जिद फतेह और हजरत सलमान फारसी के जो एक खैमा ऊपर बना हुआ है वहाँ पर जा रहे हैं। वो जो आप ऊपर देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर, यहाँ से तीरों का वार हुआ करता था। ये जो आप भाई जो भी बता भी रहे थे माशाल्लाह। अभी मैं जा रहा हूँ एक फतेह, क्योंकि अभी यानी कि एक अभी इनका कुछ लोग इनको खैमे बुला सकते हैं और कुछ इनको मस्जिद के नाम बुला। ये देखने इनके पास ग्रिल लगा देंगे, पहले यहाँ अंदर लोग जाके जिनकी जितने उम्र जा रहे हैं जो भी कोई भी आते थे तो अंदर चल के जो है ना नफर अदा करते थे। मैंने खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह से पहले भी आया कि हूँ यहाँ पर, तो मैंने खुद भी यहाँ पर जो है ना नवाफिल अदा किए। लेकिन अभी जब दोबारा मैं आया हूँ तो इन पर जो बाहर से जो है ना ग्रिलें वगैरह लगा दी गई हैं, जिस वजह से जो है ना ये सारे अभी जो है ना उन्हें बंद कर दीजिए। ये है जामिया अल खंदक, जामिया अल खंदक। पहले हम आगे फतेह मस्जिद फतेह और हजरत सलमान फारसी वहाँ पर होके फिर हम आएँगे जामिया मस्जिद अल खंदक, इसमें नवाफिल अदा करेंगे और फिर इंशाल्लाह जाएंगे आगे डेरे गाज़ में भी जाएंगे और हजरत सलमान फारसी के बाग में भी जाएंगे। ये देखिए जैसे मैंने रास्ता बंद किया हुआ है, ये देखिए इसमें भी गिल लगा ली गई है। खैमा था ये वाला, अगर जो भी कुछ टूट किया ना तो फिर वो क्या करते हैं दोबारा से मरम्मत वगैरह कर देते हैं। हम जा रहे हैं ऊपर फतेह जगह, ये है फारसी और ये ऊपर वाली है फतेह। बाकी तो सब इन्होंने ग्रिल लगा दिए, एक यही खुली है जिसमें मेरे समझने में तकरीबन लोग जाके जो है ना मुआफ़ लगा वगैरह कर लेते हैं। जी ये वाली है माशाल्लाह, ये है मस्जिद फतेह, वो सामने लिखा हुआ भी है और ये है। ये मस्जिद फतेह, हम यहाँ पर जो है मेरा नवाफिल अदा करता हूँ जी। तो 1400 साल पुरानी जैसे थे वैसे कि वैसे आज भी मौजूद है, और जब भी कोई छोटे से वगैरह यहाँ पर कोई मरम्मत वगैरह के लिए तो इसको मरम्मत कर लेते हैं माशाल्लाह, आज भी वैसे के वैसे मौजूद है। माशाल्लाह जी मस्जिद फतेह 1400 साल पुरानी, आज भी वैसे के वैसे मौजूद। बस छोटा मोटा अगर टूटते हैं तो वो मरम्मत वगैरह कर देते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तरीकी मसाज है, इसको जिन सब साज मसाज इकट्ठे हुआ करते थे वो ऊपर सामने भी हैं जहाँ से तीरों को वार हुआ करता था। बाकी ये देखिए कितने बड़े बड़े जो है उस वक्त बनाए गए थे पत्थरों के साथ, अंदर मिट्टी और पत्थर के साथ मिला के जो बनाया गया था। सुभानअल्लाह, और इसका जी सामने देख रहे हैं आप ये बोर्ड भी लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है। और ये सामने वाले देख रहे हैं ये है मस्जिद खंदक, और नीचे वो खैमा देख रहे हैं ये हजरत सलमान फारसी का खैमा, यानी कि ये भी मस्जिद का थी। एक ये दो वो तीन चार पाँच छः यानी कि सात, इनको मस्जिद सबतैन भी बोलते हैं।
सात मसाजिद यहाँ पर हैं, इनको मस्जिद सबतैन भी बोलते हैं। और हर खेमे का उसका अपना अपना नाम है। अगर सब इकट्ठा बोला जाए तो इन सब को जो मिला के बनता है वो बनता है मस्जिद सबतैन। मैं हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाला। अब इसकी जो है ना बस वही मस्जिद फतह खुली हुई है, बाकी सब पे जो है ना और मस्जिद खंदक, बाकी जितने भी हैं सब को बाहर से ग्रिल लगा कर बंद कर दिया गया है, सब को बंद बंद। और ये माशाल्लाह से हमारा ज़ायरीन की भी कसर तादाद में देख लें कि गाड़ियों वाले लेकर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जामिया मस्जिद खंदक, ये यानी कि बाद में बनी है, अभी क्या करें सब मस्जिदों की जगह एक ही मस्जिद बड़ी बना रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हैं सब कुछ है ना एक साथ जो है ना ऐसा करके एक मस्जिद बना रहे हैं, इसीलिए वो सब कुछ है ना बंद कर रहे हैं। और ये बड़ी मस्जिद बन गया अलहमदिल्ला मस्जिद खंदक।